News 18, India. इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस में बने रहने का संदेश देने के बाद आज बेंगलुरु रवाना होने वाले, जहां वो अपने धर्म गुरु से मुलाकात करने वाले हैं। और खबर यह है कि वो आज होने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। बताया गया कि कमलनाथ बेंगलुरु से लौटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटेंगे। राहुल की यात्रा से पहले उसमें शामिल होने के लिए 25 फरवरी को कमलनाथ और नकुलनाथ भोपाल में होंगे। तो अपने धर्म गुरु से मिलने के लिए आज कमलनाथ जा रहे हैं बेंगलुरु। इससे पहले बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने घर पर सपोर्टर्स के साथ एक बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि ना तो कमलनाथ और ना ही उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में जाएंगे। तो आपको बता दें, जो खबरें थी, इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया। और अब तो जैसा कि कमलनाथ ने भी अपने बेटे को मना लिया है और अब उसके बाद वो रवाना हो रहे हैं। और इस बीच सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि ना तो कमलनाथ और ना ही नकुलनाथ बीजेपी में जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक और पूर्व सांसद सज्जन वर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कमलनाथ से आपकी लंबी मुलाकात हुई, आपकी और पार्टी के दूसरे नेताओं की, कांग्रेस में बने रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे? कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के हाईकमान हैं, खुद वो वरिष्ठ नेता हैं। और कांग्रेस कैसे मजबूत हो, आज डेढ़ घंटे उसकी बैठक ली उन्होंने, न्याय यात्रा राहुल जी की मध्य प्रदेश में कैसे सफल होगी, दो आम सभाएँ कैसे मजबूती से सफल करेंगे और 29 लोकसभा सीट पर कैसे जाति समीकरण बैठेंगे, इस पर डेढ़ घंटे लंबी चर्चा हुई। बीजेपी में नहीं जाएंगे और भोपाल जाके वो बैठक भी लेने वाले हैं। नकुल नाथ जी चुनाव लड़ेंगे छिंदवाड़ा से कांग्रेस की टिकट पे लोकसभा में। अंतिम सवाल, यानी दोनों कांग्रेस में ही रहेंगे बीजेपी जाने का सवाल? बिल्कुल, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का हाईकमान है। और तो ये थे हमारे साथ सज्जन वर्मा, कांग्रेस में ही बने रहेंगे दोनों बाप बेटे, यानी कमलनाथ और नकुलनाथ, बीजेपी में जाने का कोई सवाल नहीं है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। तो सज्जन वर्मा को आपने सुना। इस बीच कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने भी यह दावा किया कि कमलनाथ से उनकी बात हुई है और उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उनसे चर्चा भी की है। माने कमलनाथ जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है। कल मैं खुद भोपाल जा रहा हूँ, वहाँ के सभी माननीय विधायक हैं, वहाँ की जो अलग अलग कमिटीज़ बनी हैं, वहाँ के सांसद महोदय हैं, उन सबों से बैठक हमारी हो रही है। और उस बैठक के अंदर माननीय कमलनाथ जी भी उस बैठक को ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ उनके निर्देश द्वारा जो भी वो अपने सुझाव देंगे उस हिसाब से वो यात्रा चलेगी और माननीय कमलनाथ जी उस यात्रा के अंदर प्रमुख रूप से उसमें भाग लेंगे।